सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल। दोस्तों, जूम ऐप पे लैपटॉप के थ्रू वर्चुअल बैकग्राउंड को कैसे यूज करना है, इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। कई दिनों से यूजर्स के कमेंट आ रहे थे कि मोबाइल के थ्रू वर्चुअल बैकग्राउंड को कैसे यूज करना है। दोस्तों, आज मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ कि मोबाइल के थ्रू वर्चुअल बैकग्राउंड को कैसे यूज करना है, एंड साथ में हम देखें कि कौन कौन सी डिवाइसेस वर्चुअल बैकग्राउंड को सपोर्ट कर रही हैं। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करने के लिए ऐप का अपडेट होना कंपलसरी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि मेरे फोन में 5.3.52 वर्जन है इंस्टॉल्ड है। आपके पास सेम वर्जन होना चाहिए या इससे अपडेटेड वर्जन होना कंपलसरी है। दोस्तों, उसके बाद आपने ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी न्यू मीटिंग की एंड ज्वाइन की। अगर आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो तो ऐप में साइन इन होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो या आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, ये ऑप्शन दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे ही आप मीटिंग को स्टार्ट करोगे, स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करके, दोस्तों आपकी यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन मिलती है आपको म्यूट अनम्यूट करने की, कैमरा को ऑन ऑफ करने की। अगर आपके फ़ोन का कैमरा ऑन नहीं है तो आपने ऑन कर लेना है। एंड लैपटॉप पे ऑप्शन मिलेगी आपको स्पीकर को ऑन ऑफ करने की एंड रियर कैमरा यूज़ करने की। सेंटर में ऑप्शन मिलती है स्क्रीन शेयरिंग की एंड पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके आप पार्टिसिपेंट की लिस्ट देख सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी वर्चुअल बैकग्राउंड की। आपने यहाँ वर्चुअल बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्चुअल बैकग्राउंड शो हो जाएगी जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। आपने 1x1 सेलेक्ट करके यहाँ पे वर्चुअल बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको सभी बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगा। दोस्तों, अपने फ़ोन से बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है एंड अलाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ अलाउ पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने सोर्स सेलेक्ट करना है जहाँ से भी आप फोटो को चूज़ करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इस फोटो को डाउनलोड किया है। दोस्तों, अगर आप वर्चुअल इमेज को रिमूव करना चाहते हो तो आपने यहाँ रिमूव पे क्लिक करना है। आप फिर से किसी भी इमेज को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने क्लोज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो आप ड्यूरिंग मीटिंग वर्चुअल इमेज को यूज कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अपडेट में आपको वर्चुअल वीडियो यूज करने की ऑप्शन मिलेगी, सिर्फ वर्चुअल इमेज यूज करने की ऑप्शन मिलती है। दोस्तों, अगर आपके फोन में ये ऑप्शन शो नहीं हो रही, इट मींस आपका फोन कंपेटेबल नहीं है। मैं आपको फोन के प्रोसेसर शो कर रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोसेसर हैं जो इस अपडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यूम वेबसाइट वर्चुअल बैकग्राउंड सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड, दिस फीचर रिक्वायर एंड्रॉयड 8.0 और अ हायर एंड प्रोसेसर विद 8 और मोर कोर्स। सपोर्टेड प्रोसेसर इंक्लूड क्वालकॉम 835, सैमसंग एक्सिनोस 9810 एंड हवाई किरिन 980। दोस्तों, जो फ़ोन इस प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहे हैं उन फोन्स में ये वर्चुअल बैकग्राउंड की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, वर्चुअल बैकग्राउंड को ऑफ करने के लिए आपने फिर से मोर पे क्लिक करना है एंड वर्चुअल बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नन पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप नन पे सेलेक्ट करोगे तो वर्चुअल बैकग्राउंड ऑफ हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी जूम ऐप या किसी अदर एजुकेशन ऐप की क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।